मेरा शौक है, म्यूजिक का मेरे को नॉलेज नहीं है लेकिन शौक बहुत ज़्यादा है और वही मैं कर रहा हूँ कि क्रमशः जो है मैं गाने बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँ अच्छे लेवल पे, यही मेरी इच्छा है। और टीम भी मेरी वैसी अच्छी टीम है। जी मैं मैं शुरुआती दौर से जब से ये गाना सुनी हूँ और इतना प्यारा, मतलब लिखा भी हुआ था और इतना प्यारा म्यूज़िक था, तो मैं फर्स्ट सुन के ही मुझे ऐसा लग रहा था लाइक मैं तो अगर गाऊंगी इस गाने को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली और गजेंद्र सर ने मुझे बोला कि आप ही गाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फाइनली मैं गाई हूँ और आज आपके सामने है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और भाई एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा रिकॉर्डिंग में भी, और जावेद सर सर के साथ मेरा ये गाना है और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी और थैंक यू सो मच। एक तो मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं तो शुरुआत अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत मुंबई से ही किया। पहली फिल्म थी भूत वाली लव स्टोरी, 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी वो। इसके बाद से मैंने क्रमशः छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना, जो मैं को चूँकि छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ी फिल्म मैंने बनाना शुरू किया। और उस फिल्म में भी भूत वाली लव स्टोरी में सोमी ने गाना गाया था और मैं वहीं से थोड़ा प्रभावित हुआ कि बहुत अच्छी वॉइस है इनकी। और तब से मैं कई दो कोविड के समय में मेरे 2-3 एल्बम इनने तैयार करा दिए जबकि मैं आया ही नहीं यहाँ, डर के मारे, बहुत फैला था कोविड में। तो इस तरह से काम होता गया और ये हर इसमें है। और कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दिया मुझे कि जो भी परफॉर्मेंस है बेहतरीन परफॉर्मेंस सोमी की तरफ से हुआ। और जावेद अली तो नो डाउट आप सबको जानते हैं कि मतलब बहुत बेहतरीन सिंगर हैं वो। सर गाने का शूटिंग कहाँ पे हुआ सर? हाँ गाने की शूटिंग यूनिट पूरी मुंबई की थी। हर चीज़ लाइट मैन वगैरह वगैरह सारे चीज़ जो है यहाँ से मुंबई की थी, लेकिन शूटिंग हुआ छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जैसे वो आपने जो शुरू में फाल देखा वो हाजरा फाल डोंगरगढ़ का था, और उसके बाद में मैजेस्टिक करके एक जो आर्टिफिशियल जो शूटिंग का रखते हैं कई लोग, नहीं किराए से देते हैं, उसमें एक और दूसरा लास्ट वाला वो उसका जो छत्तीसगढ़ी का सर शब्द है बड़े तरिया कुम्हारी, बड़े तरिया मतलब बड़ा वाला बड़ा तालाब, तरिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में तालाब को। तो उस जगह पे वो शूटिंग हुई, तीन चार जगह।
शूट हुआ। सर कितने गाने शूट किए सर आपने? गाने एल्बम में तीन एल्बम कोविड के समय में हुआ। पहला वाला गाना तो मेरी फिल्म में थी, वो भूत वाली लव स्टोरी में इनका था, इनका भावेश धनक एक था, ड्यूएट था। और उसके बाद तीन इनका, फिर उदित नारायण के साथ में वो उसमें भी ये हैं स्वामी जी, और ये अभी देखें और दो एल्बम तो और आगे, एक सुरीली करके आया है उसमें भी आप हैं और अरुण देव यादव, ये अरुण देव ना, हाँ अरुण देव यादव है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से 6-7 गाने हो चुके मेरे। फिल्मों में भी क्या आप हिंदी फिल्म भी बनाना चाहेंगे आगे कोई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पॉकेट अलाउ करे थोड़ा सा मैं हिंदी फिल्म बनाऊंगा। शुरुआत जब हिंदी से किया हूँ तो नो डाउट कि मैं चाहूँगा कि हिंदी में आऊँ करके। अभी एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, पर मैं छत्तीसगढ़ बनाना ही नहीं चाहता था फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म। वो यहाँ पे बताया, फिर जब वहाँ वहाँ भी अच्छा मिल रहा है रिस्पांस, तो फिर मैंने वहाँ मार डारे माया में बनाया अपने अनुज शर्मा जो है वहाँ के सुपरस्टार हैं उनको लेके मैंने बनाया, और आज वो विधायक हैं वहाँ मेरे जो सुपरस्टार हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, उसका रिस्पांस भी था। अभी भी मुझे सारा जो फील्ड से निकलने के बाद मैंने यूट्यूब में डाला उसको, तो 79 लाख लोग देख चुके हैं, 7.9 मिलियन अभी हो चुका है भी। तो मतलब छत्तीसगढ़ी रीजनल फिल्म के हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। थैंक यू। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सॉन्ग है वो स्वामी मेरे पास लेके आई थी, कोरियोग्राफर के थ्रू आए थे लोग। जैसे ही मैंने गाना सुना, उस टाइम में मैं बहुत बिजी था, मेरी फिल्म लव यू शंकर का सब प्रमोशन चला था, लेकिन मैंने बोला ये गाना मुझे करना है, मैंने बोला ये गाना कैसे भी मुझे करना है। जब ये गाने की प्लानिंग हुई तब रवि ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहा था, काजल भी मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो मुझे इनसे अच्छा कोई बेटर लगता ही नहीं, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट ये लोग ने मेरे साथ कर लिए हैं। तो फिर हमने ये जर्नी कंटिन्यू की, और गाना तो आपने देखा होगा, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्रोड्यूसर और सर का, जिन्होंने बहुत अच्छी लिबर्टी दी गाना शूट करने के लिए। पूरी टीम को उन्होंने वहाँ बुलाया था, रायपुर में बुलाया, रायपुर में हमने शूट किया, अच्छा खासा उन्होंने अच्छा खासा इसमें पैसा भी लगाया, और जिस तरीके से कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक सोचना था, तो आप लोग ने देख लिया, थोड़ा यूनिक लग ही रहा था। अच्छा जी, आप फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि दरअसल कई सारे एल्बम्स में बहुत अच्छे गाने देखते हैं, लेकिन फिल्मों में हमें उतने बेहतरीन गाने नहीं दिखते, ये क्या माजरा होता है? देखिए बाकी का तो नहीं पता, मेरी फिल्मों का गाना भी बहुत चला, माय फ्रेंड गणेशा का ही सबसे बड़ा गाना चला, तो मैं अपनी फिल्मों में तो गाना म्यूज़िक वीडियो की तरह ही शूट करता हूँ। प्लस मैं, मेरी एंट्री इस इंडस्ट्री में एज अ म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर ही हुई थी सबसे पहले, मैं एडिटर था, मैंने अभी बताया था मेरे 111 गाना है ये, 101 गाना हो चुका है, और उसके बीच में मैंने 30 फिल्म डायरेक्ट कर दी है, तो वो जर्नी चल रही है। गाना मेरा हॉबी है, गाना मैं पैसा कमाने के लिए कभी नहीं करता, एक हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना शूट करना, और कोशिश करता हूँ कि हर गाना एक से अच्छा हो दूसरा अच्छा। काजल जी और रवि जी, आपको भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही गाने में, बहुत सादगी से गाना बनाया भी है सर ने, आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कैसा रहा आप लोग का ये सफर राजीव सर के साथ काम करके, कैसा लगा पहले आपको गाने के बारे में? मुझे राजीव सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, रवि के साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पूरी टीम है एक्चुअली पूरा, इट्स लाइक इन फैमिली, और सब ने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है इस सॉन्ग को। और जब राजीव सर ने मुझे पहली बार ये सॉन्ग बताया था, तो मुझे इसमें एक चीज़ यूनिक थी, वो था थोड़ा सा, यू नो दैट आपने देखा होगा सॉन्ग की, थोड़ा सा इंडियन वेयर भी है और वेस्टर्न सब मिक्सअप है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और स्वामी ने तो इतना अच्छा ऑब्वियसली ब्यूटीफुल सॉन्ग उन्होंने गाया हुआ था, तो मैं सुपर एक्साइटेड थी। क्या कहेंगे जी सर के बारे में? जितना कहें उतना कम है बेसिकली ये एक्चुअली मैं इनको बोलता हूँ बेस्ट डायरेक्टर है, सबसे कूल काम और बड़ा प्यार से काम करते हैं, कभी सेट पर मैंने इन्हें चिल्लम चिल्ली करते हुए नहीं देखा या कोई पैनिक करते नहीं हुए देखा। तो बेसिकली क्या होता है, जब डायरेक्टर कंट्रोल में होता है तो पूरी टीम कंट्रोल में रहती है, सो ये इनका प्लस पॉइंट है। तो इनकी वजह से सी सर परफॉर्म, मतलब बोलते पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकते हो, तो वो डायरेक्टर के ऊपर होता है। तो एक्टर अच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और बाकी टीम अपनी पूरी अच्छी है सर, डायरेक्शन में सारी टीम, डीओपी बड़े अच्छे अपने, यूजिन
और बाकी एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव। इसके कोई नखरे नहीं है भाई, इसको मैं तो सारे प्रोड्यूसर्स को बोलूँगा इस लड़की को हमेशा अपने कास्ट करो। ये धूप में जैसे बिना पानी खाना कुछ मिले में नहीं लड़की काम करेगी पूरा। तो बड़ा मज़ा आया सर, बड़ी अच्छी टीम थी, बड़ी अच्छी टीम थी पूरी, बहुत बढ़िया लगा सबके साथ काम करके। फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो अभी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी अभी इस सॉन्ग को ही मुझे प्रमोट करना है और बाकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर में आपको पता चल जाएंगे। गाने के बारे में क्या कहेंगे, गाना बहुत कम गाने जो बहुत अच्छे बन पाते हैं आज के समय की, तो ऐसे में ये गाना कितना स्पेशल लगता है, क्योंकि हमें भी देखा, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बनाया, कहीं बोली कुछ नहीं, बहुत ही अलग तरह से फील आया। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि जब एक बेहतर गाना बन पाता है, या कितना अच्छा क्रेडिट लगता है कि अच्छा बन गया जी? मैं नहीं, नहीं गाना हमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वेरी थैंकफुल सर कि आपको अच्छा लगा गाना। हाँ आजकल अक्सर मतलब थोड़े से गाने लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक ही जगह में शूट करके थोड़ा सा रोमांस करके वैसा हो जाता है, लेकिन सर का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था कि अगर हमें थोड़ा सा अच्छी लोकेशन दिखे, सुंदर लगे गाना और अच्छे से मेहनत करने को बोला था। मतलब मेरे जो बॉडी पर टैटू वटू बने उसमें सर ने स्पेशली बोला कि यह करना है वो करना है, पूरा पर्टिकुलरली हर चीज़ उन्होंने बोली थी, सबकी क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिविटी थी, तो पूरी मेहनत लगी है बेसिकली पूरी टीम की, और सबने अपने एफर्ट लगाया, सब इंग्रॉस थे मतलब काम में कि हमें अच्छे से करना है बेसिकली सब लोग। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप लोगों के सामने, सबकी मेहनत है। अभी मेरी लेटेस्ट रिलीज थी लव यू शंकर, अभी आने वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, एक वेब सीरीज में कर रहा हूँ जो हुकुम मेरे आका, उसमें श्रेयस तलपड़े कृष्ण अभिषेक है, फिर एक अमेजोन की एक डेढ़ घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें फिर से मैंने रवि को रिपेयर किया, काफ़ी लोग हैं उसमें रवि के साथ में, और एक फिल्म है मेरी जो अनअनाउंसमेंट है पंडित, वो बहुत जल्दी अनाउंस होगी, जिसके बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, वो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ तक सब आ जाएगी न्यूज़। गाने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर नीतू जी हमारी बिल्डिंग में ही रहते थे, मैं भी उसी ग्राउंड फ्लोर पे, तो नीतू जी के साथ मालूम लगा कि लिरिक्स राइटर है, नया नया मुलाकात हुआ हम लोगों का, और इन्होंने कुछ गाने अपने मुझे सुनाए जिसमें से एक गाना था काहे बिसरा, जिसको जिसकी शुरुआत वहाँ से हुई और हम लोगों ने उसको कंपोज किया, और काफ़ी टाइम से उसको रखे रखा कि एक अच्छा मौका आएगा और अच्छी जगह मिलेगी तो हम उसको प्रेजेंट करेंगे, और भगवान की कृपा से वो अच्छा मौका आया। गजेंद्र सर से हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम से पहले से थी, लेकिन उन्होंने फिर कुछ ऐसा बोला म्यूज़िक करने के लिए, तो गजेंद्र सर से हमारी इस गाने को लेके बातचीत चली, उन्होंने भरोसा दिखाया उस गाने के ऊपर के कर लो इस गाने को, अच्छे से कर लो, तो गजेंद्र सर ने उसको अप्रूव किया और गाना आप लोगों के सामने है। ये जर्नी है इस गाने की। मैम आप बताइए, गाना लिखा, शुरुआत की है इस बेटे ने गाने की, कैसा सफल रहा वहाँ से अभी तक का? गाना तो वाकई में बहुत ही अच्छा बन गया, और एक राइटर का लिखना तभी सार्थक होता है जब उसे अच्छी कंपोजिशन मिले, जब वो अच्छा कंपोज हो जाता है, अच्छे से सिंगर्स उसको गाते हैं, अच्छे सिंगर गाते हैं, और इसको भी स्वामी ने जो इतनी सुरीली है, इतनी स्वीट वॉइस है, और जावेद अली को तो सभी जानते हैं, जावेद अली ने भी बहुत अच्छा गाया, और सर ने इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई, और उसके बाद में जब ऑडियो रेडी हो जाता है तो उसके बाद और भी ज़्यादा हमको होप होता है गाना हिट होने का कि उसका वीडियो डायरेक्शन कैसा होगा। तो राजीव रुया सर ने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं काजल जी और राहुल जी, रवि भाटिया जी, तो उनकी मौजूदगी ने गाने में चार चांद लगा दिया है, तो मेरा लिखना तब जाके अब सार्थक हुआ जब उसको इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिली हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इतने टाइम बाद, जैसा सर ने बताया कि
हम काफ़ी टाइम से इस गाने को हमने रेडी किया हुआ था, तो इतने टाइम बाद ये गाना अब आ गया है, तो अब जो खुशी है उसको तो बयान नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो अब बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों में सुनाइए, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी, हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।